वीरे, हमें वीरे, मैं ना तुहानू एक गल दसनी है जो मैं तुहानू दसी नहीं सी। एक्चुअली मैनू डर सी कि तुसी मैनू गुस्सा करोगे। नहीं करता कुछ, ट्रस्ट की गल वीरे। ओ मैनू ना देशो भाभी दा फोन आया सी। पर वीरे प्लीज तुसी गुस्सा ना करो, जिवें तुसी कहा ना मैं ओवें कीता। मैं भाभी दा फोन चुकिया ही नहीं, मैं जवाब नहीं दिता उन्हां दे फोन दा। बिल्कुल ठीक कीता तुम्हें, वैसे भी मैनू ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद। मैं नहीं चाहता कि देशो नू कुछ भी पता लगे इस घर बारे, कि मेरी लाइफ च की हो रहा है या देश भीर दी लाइफ च की हो रही। इस घर तो जाण दा फैसला देशो ने आप लिया सी। बस हुण मैनू नहीं कोई फर्क पैंदा कि वह किनू फोन कर रहे ने किनू नहीं, ते ना ही मैं अपना फैसला बदलन ना। ठीक है वीरे, मैं समझती हूँ थोड़ी गल, तुसी टेंशन ना लो, मैं सब साफ लांगी। हुण सानू चलना चाहिए, पहले ही लेट हो गए। हाँ जी वीरे, चलो। वीरे तुसी कार की चाबी ले ली, जल्दी जल्दी चोते नहीं भूल गए? मेरे कोली, तू इनू फट। वाहेगुरु जी प्लीज मेहर करो, मैं बस एक बार देशप्रीत नूं देखना चाहनी हां कि वो ठीक है कि नहीं। माया तू छेती तो गड्डी च बैठ। जी वीर। काश एक बारी थे मैं अपने बच्चे नु देखा, उन मेरे चैन मिल जाना सी। कहो जी माया जो बीमार होते भी अपने बच्चे नु नहीं मिल सकी। अरमान वीरा लगता कि वो काफी बिजी है, ऐस करके फोन कट रही सी। देशो वापस आने वाली होनी है, बहुत छेती उन्हें भला होर जाना भी कितने है ना। कितों आ रही है? जरा दसन का कष्ट करूंगी। दिया तू ऑफिस गई सी, तेरे हाथ फाइल दस रही है कि तू ऑफिस तो ही आ रही है। कि रणवीर नु मिलके आ रही है? सच सच दस, झूठ ना बोली। मैं रणवीर नाल कोई गल नहीं कीती, हाई गल समझ नाले। हाँ अज जसूसी वाले सवाल पूछने ना बंद करो, मैं कोई तुहाडी कैदी नहीं है। मैनू पता है कि तू हुण वापस घर भी आ गई है, तो मैनू पता है कि रणवीर ने तेरे नाल कोई गल भी नहीं कीती होनी। मैं रणवीर नूं चंगी तरह जानता हाँ,
वो एक बड़ा ही इज्जतदार बंदा है, वो किसे होर दी घरवाली ना बिल्कुल गल नहीं करेगा। देशो तू इतनी छेती गुस्सा क्यों मान गई, अपने कमरे में जा रही है। ले दस हद होंदी है तेरी, खुद तो तेरी मैं वेट कर रहा वा। आ दो मिनट बैठ, आप गल ही कर लेने हैं। बोलो की गल करनी है तुसी? जे तू मेरी सलाह मन्नी तो तेनू किते जान दी कोई लोड़ नहीं है, तू चुपचाप घर च बैठ ते घर दी गृहस्थी संभाल। इसका मतलब है कि तुसी ये चाहते हो कि मैं तुहानू पल पल दी खबर दवा कि मैं किथे गई, किदे नाल गई, मैं की कीता की नहीं कीता सब कुछ? हां नहीं नहीं देशो, अजिही कोई गल नहीं है, तू मैनू गलत समझ रही है। मेरे कहने का मतलब ये सी कि तू आराम कर, घर च बैठ के घर का काम कर, क्यों फालतू च बाहर जाके इन्नी गर्मी च धक्के खाने है, आराम नाल घर बैठ ऐश कर। देशो मैं उन्होंने मर्दा चो नहीं है जो घर बह के अपनी घरवाली की कमाई खाते, उन्होंने मर्दा चो हाँ जो मेहनत करन च विश्वास करता है, जो अपने हथी कमाई करके अपने घर वाले नू पालता है। सच्ची तुसी तो संत महात्मा निकले, मैं तो थोनू कुछ और ही समझी बैठी सी। हुण मैनू असल च दसो कि तुसी चाहुंदे की कि मैं घरे बैठ जा, घरे बैठ के थोड़ी रोटियां पकावा, थोड़ा खाना बनावा, थोड़े गंदे कपड़े धोवा, या फिर थोड़े नाम का जाप कर दे रहा सारा दिन, है ना? यही चाहते हो ना तुसी? नहीं नहीं देशो, तू किदां दी गल्लां कर रही है, जो भी तेरे मुंह च आया तू अपने वालों क्यों बोली जा रही है? सच्ची इदां दी कोई गल नहीं है। कुछ भी नहीं है तो फिर की चाहते हो तुसी? कि मैं सिर्फ तुहाडी मनमानी ते चलां, जिद्दां तुसी कहोगे उदां ही करां, होर कुछ ना करां? नहीं नहीं देशो, मैं अजिहा कुछ भी नहीं किया, तू अपने वालों कह रही है। आइंदा मेरी पर्सनल लाइफ च इंटरफेयर करन दी ना जरूरत भी ना करे, आई गल समझ? काश मैं अपनी बच्चे नू मिल पांदी, और मैं की करन गई सी, उत्ते की दे ली गई सी, उदे करके ही सा गई सी, की फर्क पै जाना सी उन्हां नू जे दो मिनट लई मैनू मिल लैन दिंदे ते, मैनू उदे नाल कोई एक वारी मिलवा दो बस, मैनू और कुछ नहीं चाहिदा। देशु पुत्र तू रणवीर नू मिली सी? जी मम्मी जी मिली सी, उन्हां नू मेरे बिना काफी वधिया तरीके नाल काम कर रहे ने, हुण तां उन्हां नू अपनी निजी जिंदगी च भी मेरी लोड नहीं। मैं तेरा दर्द घट तां नहीं कर सकती देशु, पर समझ जरूर सकती हां कि तू इस वेले किन्ने दर्द चो गुजर रही है पुत्र। मम्मी जी बस अपने बच्चे देशप्रीत नूं ही ते मिलना चाहुंदी सी मैं, होर तां मैनूं कुछ चाहिदा ही नहीं सी। एक वारी अपने बच्चे नूं मिल लैंदे मैनूं रणवीर नाल तां फिर कोई मतलब ही नहीं सी। तुहानूं पता है बीमार आ देशप्रीत, ते इस वेले ना उहनूं सब तों वध जे किसे दी लोड़ है ना, क्यों मैं आ? एक बच्चे लई इस हालात सब तो वध उहदी मां जरूरी हुंदी है, पर मैं इन्नी बदकिस्मत मां आ ना कि मेरी बच्चे नूं तां इह भी नहीं पता कि मैं उहदी मां आ, उहनूं प्यार करना तां दूर दी गल। सबर रख दिशो, उस रब दे कर तेरे पुत्र, पर हनेर नहीं, तू देखी पुत्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तेनू ये सब किदा पता लग गया देशो कि देशवीर बीमार है? मम्मी जी ऑफिस गई सी ना मैं, ते रणवीर अपनी सेक्रेटरी नू दस रहे सी कि उन्होंने हॉस्पिटल जाना है देशप्रीत नू लेके, क्यों जाना है कितना जाना है ये मैनू नहीं पता लगा। इस सब दी वजह ना अरमान ही है देशो,
जे उन्ने तेरे नाल व्याह नहीं ना कराया हुंदा ते आज तू देश प्रीत दे कोल हुंदी पुत्तर। अरमान दी इस हरकत वास्ते पुत्तर मैं तेरे तो माफी मांगदी हां, मैनू माफ कर दे पुत्तर। मैं इन्ना निकम्मा मुंडा जन्म दिता, ओह तो पहला मैनू मार क्यों नहीं दिता। ए कितां दीआं गल्लां कर रहे हो मम्मी जी, अरमान दी गलती लई तुहानू माफी मंगण दी कोई लोड नहीं है, इदां ना कहो। ता फिर तू इस सब तो बाहर किद्दां निकलेगी देशो, ते अपनी कुड़ी नू किद्दां मिलेगी। मम्मी जी ये सब तो एको तरीके दे नाल हो सकता है, जे मैनू मिनी मिल जाए, जे मैनू एक वारी मिनी मिल जाए ना ते ये सारी मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। हले तू देशों दे परांठे नहीं खाते। एक मिनट, देशों दा फोन हो भी मैनू। हेलो, हाँ जी देशो, मैनू पूरे यकीन से कि तुहाडा फोन मैनू आएगा। सब ठीक ते है ना करम? तुसी मैनू कह रहे सी ना कि जो कुछ भी तुसी कीता है तुहाडे खम्मा लई मैं तुहानू माफ कर दवां, मतलब तुहानू एक होर मौका दवां, मतलब देना चाहिए दे मौका मैनू। सो मैं सोच रही सी कि एक मौका मैं तुहानू दे सकती हाँ, दसो हाँ या ना? ईशो बिल्कुल हाँ, मैं तो खुद अपनी गलती नू सुधारना चाहना, बल्कि मैं चाहना जिवें असीं पहला सीगे फिर तो उवें हो जाईए एक चंगे दोस्त। तुसी बस काम बोलो, मैं अपनी जान तक ला देंगा। अब नहीं नहीं नहीं, जान देने की कोई लोड़ नहीं, बस तुहानू ना मेरे लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुहानू मैनू मिनी लभ के देनी पड़ेगी। मतलब मैं जानना चाहनी हूँ कि मिनी इस वेले कित्थे है, तुसी मैनू बस हाँ या ना च जवाब दिओ, जे तुहाडे कोल इह काम नहीं हुंदा तो मैनू लारे लाउण की कोई लोड़ नहीं। देखो मैं कोई लारा नहीं लावांगा, बल्कि जिदा मैं पहला मदद करता रहा ना जी जान ला के, इस बार भी उदा ही करांगा। पर सच गल ये कि मिनी बारे मैं हले कोई आइडिया नहीं है कि वह कित्थे है कित्थे नहीं। हाँ पर मैं तुम्हें तो पता करके जरूर दस दूंगा। लग जाओ फिर काम पे, मैनू तुहाडे खुशखबरी भरे फोन का इंतजार रहो। ठीक है। देशो की हुआ? बड़ी घबराई घबराई लग रही है, सब ठीक तो है ना? घबराई हुई मैं नहीं, ते थानू वहम हो रहा है। उल्टा मैं ते थानू पूछने वाली सी, तुसी इतना कमरे सीधा कुछ चाहिए सी? हाँ मैनू चाहिए सीगा। देख मैं मेरी बच्ची मेरी बहन चीज हो गई, कितनी प्यारी लग रही है ना, बस इनू किसी दी नजर ना लग जाए। डोंट वरी वीरे, साड़ी देशप्रीत नू ना किसी दी नजर नहीं लगेगी। देखो बिल्कुल ताड़े ते गई है, कितनी प्यारी है ना, सुती पई ते होर प्यारी लगती है, मेनू ना जेते ते बहुत प्यार आ रहा। क्यों है माया, कुछ कहना चाहती है तू मैनू? जे कोई गल है तो तू कह दे। वीरे जब आप देशप्रीत नू डॉक्टर को लेके जा रहे सी ना, तो मैं गेट के बाहर देशो भाभी नू देखा सी। मैनू ना पक्का पता है कि देशो भाभी ना देशप्रीत नू ही देखने आए होंगे, तुहानू की लगता है? मैनू की लगेगा माया, सड़क ते हजारों लोग खड़े रहते, मैनू ना कोई फर्क नहीं पैंदा जे उन्हां लोकां में से एक देशो भी नहीं। वीरे तुसी ना अपनी जगह ते बिल्कुल ठीक हो, पर मैं देशो भाभी दे चेहरे ते दर्द वेख्या है, तकलीफ देखी है, तो तकलीफ ना सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, उन्हां दे चेहरे तो दर्द साफ साफ झलक रहा सी। मैं सच कहा ना माया, तो मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा कि तू देशो बारे की महसूस करती,
क्योंकि ना तो मैं इदा कुछ महसूस करता तो ना ही मैं करना चाहता। जिन्हें दुख ते तकलीफा उन्होंने मैनू मेरी लाइफ च दतिया ने ना वो सामने तो सब कुछ कुछ भी नहीं। वैसे भी जो तुम किसी दुख तकलीफ देंगे हो ना तो फिर सहना भी सीखो। खैर जो भी है देशो हूँ इस घर का साड़ी लाइफ का इस परिवार का हिस्सा नहीं है तो इस परिवार को यही चाहिए। ते मेरी बच्ची तो मैं भी ये अलावा कुछ नहीं चाहिए। दरअसल मैं तेरे गल करनी चाहता सी। तेनू लगता होगा कि मैं एक हिटलर टाइप तानाशाह बंदा है जिहड़ा तेनू छोटी छोटी गल्लां तो रोकदा है, पर अजिही गल कुछ नहीं है। देशो मैं हमेशा तेरी सपोर्ट च ही हाँ। मैं चाहता वा कि तू अपने काम नू आसमान की बुलंदियों तक लैके जावे। सच्ची देख तू मैनू जिहड़ी रणवीर वाली गल कही सी ना वो बिल्कुल ठीक सी। मानदा कि रणवीर ना अपने काम में बहुत ही ईमानदार बंदा ते एक ईमानदार बिजनेसमैन आ। मैनू उस तो सीखना चाहिए बहुत कुछ। सक्सेसफुल हुई सी तू सच्ची अपने काम नूं उच्चियां इमारतां ते लैके गई सी बहुत तरक्की कीती सी तू ते इहदे विच कोई शक नहीं है कि तू अपने काम विच बहुत ही ज्यादा माहिर आ। मैं हुण इही चाहुंदा कि तू ना अपने आप ते ते अपने काम ते होर ध्यान दवे होर तरक्कियां वाल जावे रब तेनू आसमान दी बुलंदियां तक लैके जावे। बस मैं ये चाहुंदा कि हुण ना जदों लोकी इस बारे देखण ते कहण कि मैं एक चंगा हसबैंड हाँ तेरे हर काम च सपोर्ट करदा तेरा साथ दिंदा है। मतलब तुसी दुनिया सामने अपनी वाह वाही कराना चाहुंदे हो वो भी मेरे करके मेरे मोढ़े ते रख के बंदूक चला रहे हो। क्या बात है बहुत वधिया सोच है तुहाडी अरमान। देशो मैं तक समझ ही नहीं लगता कि तू की बोल रही है। मैं जिहा की गलत कहता देशो जिस करके तू मैनू इन्ना वड्डा ताना मारिया। नहीं नहीं देशो तू मैनू गलत समझ रही है। मैं अजिहा मेरी अजिही कोई इंटेंशंस ही है नहीं। अरमान मैनू चंगी तरह पता है कि तुसी ना किन्ने क पानी चो नाले ये सब ना तुहाडे वास्ते गल नहीं है। ये सारिया चीजा ना तुहाडी सोच तो किते दूर। वैसे भी मैं ना इस सब च तुहाडे तो कोई उम्मीद नहीं रखती। देशो तू मेरी गल समझना ही नहीं चाहती भला ये कोई गल थोड़ा बनी। तुसी जो सोचना है ना सोच सको तुहाडी सोच तुहानू मुबारक। पूनम जी एक मिनट मेरी गल सुनियो। हाँ जी हुने आई। आयो हाँ जी दीदी जी दसो की काम सी। तुसी ना एक काम करो छेती छेती देश पीत दे लई ना दूध गर्म कर दो जे उठगी ना ते सारा घर सिर ते चक लेगी। ते गल याद रखियो कि वीरा ही देश पीत नू ना दूध पिलाएगा तुसी ओना नू दूध फड़ा दो। हाँ जी दीदी जी मैं हुणे दूध गर्म कर दिनी आ तुसी फिकर ना करो। ठीक देशो भाभी दा फोन। हाँ जी भाभी दसो की काम है फोन कीता है तुसी। हेलो माया माया प्लीज मेरी गल सुन ला फोन ना कट्टी प्लीज। मैनू तेरे ते रणवीर तो कुछ नहीं चाहिए। मैनू याद है कि मैं तुहाडे नाल वादा कीता है कि मैं तुहाडे परिवार दे लागे भी नहीं आऊंगी ते ना ही मैं तुहाडियां जिंदगियां च दखल दूंगी। मैं बस एक वारी देशप्रीत नू मिलन आना चाहनी हां। मैं पक्का कुछ और नहीं करांगी। प्लीज मैनू एक वारी दस दे कि देशप्रीत ठीक है ना। माया माया प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ भैन बन के एक बारी दस दे कि देशप्रीत ठीक है ना। भाभी मैं तानू पहला भी कितनी बार कहा है कि तुसी मैनू बार बार फोन ना करया करो। मैं नहीं चाहती कि तुसी देशप्रीत या वीरे बारे मैनू कुछ भी पूछो ते ना मैं तानू दसना चाहनी हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुसी उन्हां दोनों की जिंदगी च वापस आओ। एंड तानू किन्ने कहा है कि देशप्रीत ठीक नहीं है। साड़ी देशप्रीत ना बिल्कुल सही है। मेरा वीरा है ओदा ख्याल रखन दी तुहानू चिंता करन दी कोई भी लोड़ नहीं है। भाभी प्लीज मेरी एक गल ना याद रखो तुसी इस घर च बार बार फोन ना करो। मैं तुहानू देशप्रीत बारे कुछ भी नहीं दसन वाली। मैनू लगता है कि तुहानू मेरी गल समझ आ गई होगी
माया मेरी गल रणवीर ते माया मिलके देशप्रीत तो मेरे तो दूर करना चाहते हैं, पर मैं इतना नहीं होना। मैं देशप्रीत नू मिलके रहूंगी, चाहे उदे लिए फिर मैनू कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी।